Sri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये 16th लेक्चर है, 16वां भाग है आधुनिक भारत का। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे, जहाँ तक हमने छोड़ा था पिछली बार हमने लॉर्ड वेलेसली के बारे में देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज बार्लो के बारे में। जॉर्ज बार्लो जो 5वें नंबर पर गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू कर। तो गिना जाएगा जो 5वें नंबर, सर जॉर्ज बार्लो, ये 1805 से 1807 तक रहेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बारे में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकी शक्ल देख लीजिए, ये हैं भैया जॉर्ज बार्लो, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वेलोर में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, इन्हीं के काल में हुआ था 1806 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात घटना यही है, ठीक है। इससे और कोई भी इनसे नहीं पूछा जाता। ये मैं आपको बता देता हूँ ये घटना क्यों हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों की। इसमें बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा वेल्लोर कहाँ पे है। वेल्लोर जो है ये तमिलनाडु की घटना है, ये घटना हुई थी। इतिहास में इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कई इतिहासकार जो बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों ने जो ये भारतीय सैनिक थे उनकी यूनिफॉर्म चेंज करवा दी, चल गई, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो हिंदू लोग थे वो माथे पे टीका लगाते थे, उसको बंद करवा दिया था। जो मुस्लिम लोग थे उनकी दाढ़ी बड़ी नहीं होने देते थे, तो मतलब धार्मिक रूप से खिलवाड़ कर रहे थे, तो उनको गुस्सा आया। ये भी एक कारण था। एक दूसरा कारण इतिहासकार ये भी बताते हैं, कई इतिहासकार बताते हैं दोनों कारण थे। और दूसरा कारण क्या था, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, तो जो उसके बेटे थे उनके बेटों को बंदी बना लिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस वेल्लोर के किले में उसकी बेटी की शादी थी टीपू सुल्तान की, उसमें सब अंग्रेज इकट्ठा हुए थे और पूरे किले को घेर लिया गया और बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया गया, ठीक है। तो उसमें से कुछ सैनिक जो बच गए थे अंग्रेजी, वो जाकर अपने आसपास के जो भी अंग्रेज रेजिमेंट थे उनको बताया। तो कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आके फिर इसको सिचुएशन को ठीक क्या किया, मतलब जो भी जिन्होंने विद्रोह किया था उनको पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तो फिर उन्होंने अपने अंडर में उसको ले लिया। तो ये वेल्लोर की ये जो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसी के टाइम पर हुआ था, जॉर्ज बार्लो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हो तो पीछे का क्लियर करते जाइए, यकीन मानिए, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो सब पढ़ते जाइए पिछले का एकदम अच्छे से क्लियर, एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते जाइए, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पे आते हैं भैया लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में रहेंगे। ये आए थे 6वें नंबर पे, ठीक है। इनके बारे में भी कुछ बातें याद करनी है आपको, जैसे अमृतसर की संधि होगी अभी महाराजा रणजीत सिंह के साथ, और इनके टाइम पर आपको मालूम होगा 1813 है तो चार्टर्ड एक्ट आएगा। मैंने आपको बताया था ना 1793 में चार्टर एक्ट आया था, 20 साल के लिए रिव्यू किया गया था। तो 20 साल हो गया 1813 में, नहीं आपको मालूम है तो आपको जरूरत है पीछे वीडियो देखने की। अब ये है लॉर्ड मिंटो। अब अमृतसर की संधि और चार्टर्ड एक्ट जो है इनके काल की मुख्य घटना है, दो इनके बारे में हमको पढ़नी है। चार्टर्ड एक्ट आया था जो कि 1813 में आया था, और अमृतसर की संधि जो हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर हुई थी, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था, मगर याद रखिए जो संधि हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी, मेटकाफ के नेतृत्व में हुई थी। मेटकाफ क्या है, आगे चलकर भविष्य में इसका नाम आएगा गवर्नर जनरल में, 1835 में ये गवर्नर जनरल बनेगा, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और 36 तक ये रहेगा लॉर्ड मेटकाफ। और 1813 में चार्टर्ड एक्ट मिंटो के काल में ही आया था, पास हुआ था, ठीक है। जितने भी ये एक्ट वक्ट आ रहे हैं तब एक वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, आप याद रखिए इनके टाइम पे ये एक्ट आया था। और इससे पहले आपको बताऊंगा 1793 में सर जॉन शॉर के टाइम पर आया था,
ठीक है, शरजान शोर के टाइम पर आया था। चलिए ठीक है, उसके सातवें नंबर पे हमें याद करना है लॉर्ड हेस्टिंग। अब कंफ्यूजन की बारी आ गई दोस्तों, पहले क्लियर कीजिए। इससे पहले आपने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग था जो पहला गवर्नर जनरल था। अब सातवें नंबर पे कौन है? सातवें नंबर पे है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग है वो, वारेन हेस्टिंग है या लॉर्ड हेस्टिंग है। तो इसका टाइम जो रहेगा 1813 से 1823 तक रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत लंबा इसका टाइम पीरियड है। तो ये है पिक्चर भैया लॉर्ड हेस्टिंग की, टोपी और ये डंडा लेकर खड़े हुए हैं, डंडा है कि तलवार है, देख सकते हैं आप। अब इनके बारे में आपको याद करना है, इनके कार्यकाल में जो क्या हुआ था, 1814 से 1816 तक आंगला नेपाल युद्ध हुआ था। आंगला नेपाल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए आंगला नेपाल युद्ध, जिसमें संगोली की संधि नेपाल के साथ हुई थी। एक आया था, हमने आपको बताया था संगोला की संधि, जब मराठा साम्राज्य आपको पढ़ाया था, संगोला वो संगोली ये है, संगोला मराठाओं के बीच में हुई थी, पेशवा और भोसले के बीच में, मतलब छत्रपति के बीच में, बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकेंड की, जिसे राम राजा भी कहा जाता था, उनके बीच में भी, हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ, उनके बीच में हुई थी, जिसमें पेशवा सुप्रीम हो गई थी। मगर सबसे ज्यादा दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? संगोली की संधि। इसमें देख लेते हैं, नेपाल के अमर सिंह थे, जो राजा अमर सिंह थे, उनका हार हो गई थी, हार माननी पड़ी थी। ठीक है, और मार्च 1816 में हेस्टिंग एवं गोरखों के बीच में, मतलब नेपाल के बीच में संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि हुई थी नेपाल के बीच में, और आंगला नेपाल युद्ध का अंत हो गया। संगोली की संधि द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया जाएगा, और उसका नेतृत्व जो एक अधिकारी करेगा, उसका एक ब्रिटिश अधिकारी करेगा, ब्रिटिश उस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में सेना रखी जाएगी, स्वीकार हो गया। ठीक है, और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है आज के टाइम पर, ये सब इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। ठीक है, और जो बातें आपको इसके बारे में याद करनी, वो देखिए, इसी के टाइम पर तृतीय आंगला मराठा युद्ध, जो आखिरी मराठा युद्ध था, वो हुआ था। ये क्या लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, गलत लिखा, 1817 से तक लिखा है, 1817 से 1800 हुआ था। ठीक है, और जिसमें आपको मालूम होगा कि पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था, और 1818 में हेस्टिंग ने पेशवा को पद को ही समाप्त कर दिया था। और जब इस युद्ध की समाप्ति हो गई तो और जब इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी, जो इस युद्ध में, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, पेशवा के टाइम पे, कौन पेशवा था, आखिरी पेशवा था बाजीराव 2, कौन, बाजीराव 2। तो फिर इस युद्ध के बाद इसको पेंशन दी गई, और बिठूर जो कि कानपुर के निकट है, वहां पर इसको लाकर बिठा दिया, भैया वहीं रहेगा, ये पेशवा जी है वहीं रहेंगे। 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इनके बेटे आते हैं जिनका नाम धोंदूपन था, जिनको भी सब नाना साहब बाद में कह के बुलाते थे, इनको भी नाना साहब कह के बुलाते थे। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव कहते थे, इनके बेटे जो बिठूर थे उनको भी, इनके जो बेटे थे धोंदूपंत, इनको भी नाना साहब कह के बुलाया करते थे। इनके बेटे ने कहा कि हमें भी आप पेंशन दीजिए, अंग्रेजों ने मना कर दिया, तो 1857 की क्रांति में आपने देख लिया होगा इनका भी हाथ था। अब देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, 1857 की क्रांति, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा उसमें दो पार्ट होंगे, मगर एक ही पार्ट अपलोड किया गया है, जो तत्कालीन कारण वाला, और जो दूसरा कारण राजनीतिक और पहले वाले कारण है, वो हमने अपलोड इसलिए नहीं किए क्योंकि हमने ये सब आपको नहीं पढ़ाया था। हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपको मालूम होता जाएगा कि जो बाकी सब कारण थे वो कहाँ से उठ के आए, यहीं से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जल्दी अपलोड नहीं किया था, हम अपलोड करते तो समझ नहीं आता, अब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट घटना है, 1857 से 1817 से 1818 के बीच में इसने पंडारियों का दमन किया था भैया, पंडारियों का इसने दमन किया था। पंडारी कौन थे, ये इसकी बहुत बड़ी सक्सेस थी, पंडारी जो थे बहुत तंग करते थे। पंडारी थे कौन, इनको डाकू कहा जाता था, अफगान का डाकू इनको कई लोग कहते हैं, कई जो इतिहासकार कहते हैं कि ये अफगान के डाकू थे, और कई ये इतिहासकार कहते हैं
कि ये कहीं से आए थे और दक्षिण भारत में बस गए थे, बहुत अच्छे घुड़सवार और ये पठान थे। ठीक है, कोई भी हो, अब ये याद आपको करना है, पंडारियों का दमन इसने किया था। पंडारियों का दमन किसने किया था भैया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ये क्वेश्चन सीधे से एग्जाम में आता है। और पंडारियों में नेता, इसके नेता कौन थे? चीतू, वासिल, मोहम्मद और करीम खां। तीनों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, चीतू, वासिल, मोहम्मद और करीम खां। और हेस्टिंग ने प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। ये याद रखिए, 1799 में प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है, मगर इसने जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त कर दिया और अच्छी ऊंचाइयों पर ले गया प्रेस को, ठीक है, उसमें सुधार भी करवाए। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ये एक्चुअली क्या था? टेनेंसी एक्ट, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जो भी इसने कहा, जो भी कृषक हैं, जो भी किसान हैं, उनकी जो जमीनें हैं उन्हीं का अधिकार है, मगर कब तक? अगर वो टाइम टू टाइम रेंट उसका देते रहेंगे, कर देते रहेंगे, तो उनकी जमीनों का उन्हीं उन्हीं का अधिकार रहेगा, किसी का भी हक नहीं है उस पर, उन्हीं का अधिकार है, ठीक है। तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, ये आपको मालूम पड़ गया होगा। अब तक जो 7 गवर्नर जनरल है उनके बारे में यह सब आपको मालूम है, क्योंकि हमने आंगला मराठा, आंगला मैसूर, बाकी सब युद्ध हैं वो हमने आपको डिटेल में पढ़ाया, वो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में जब उनका नाम आ रहा है, ठीक है। जैसे आंगला मराठा युद्ध आया था उसके बारे में मैंने नहीं बताया, तृतीय आंगला मराठा युद्ध, क्योंकि हमने आपको पूरी तरह पढ़ाया हुआ है, आपको मालूम होगा, इसीलिए पढ़ाया गया था कि आपको अब समझ में आता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसके बाद वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जो कि 1823 से 1828 तक रहेगा, ठीक है, जिसके टाइम पर प्रथम आंगला वर्मा युद्ध हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यान डब्बू की जो संधि हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो 8वें के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिंक आएगा, जिसमें इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं कहलाएंगे तब, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो 4 वीडियो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा, एग्जाम के रिलेटेड है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।